23 अगस्त 2023 की शाम को जब मिशन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड हुआ तो देशवासी खुशी से झूम उठे। पूरे देश को अब अपने वैज्ञानिकों पर फक्र महसूस हो रहा है। लोग इसरो के वैज्ञानिकों की खूब तारीफ कर रहे हैं क्योंकि इसरो ने वो कर दिखाया है जो अब तक किसी भी देश की अंतरिक्ष एजेंसियां नहीं कर पाई। चांद के दक्षिणी हिस्से में सफल लैंडिंग कर इसरो ने पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। इस कामयाबी के पीछे यूपी के कई वैज्ञानिकों का हाथ है। उन्हीं में से एक है उन्नाव के लाल, जिन्होंने इस मून मिशन में अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि उन्नाव के रहने वाले आशीष मिश्रा ने मिशन चंद्रयान की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर पॉपुलेशन सिस्टम के विकास में अहम भूमिका निभाई है। मून मिशन सफल होने के बाद हर कोई आशीष मिश्रा के परिवार को बधाई दे रहा है। उन्नाव के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले आशीष मिश्रा ने अपनी स्कूलिंग उन्नाव से ही की है। फिर उन्होंने एमटेक की डिग्री हासिल की। 2008 में उन्हें इसरो के लिए चुन लिया गया। आशीष के पिता का 2015 में देहांत हो चुका है। घर में माँ है जो कि एक रिटायर्ड टीचर है। इसके अलावा छोटा भाई और उनकी पत्नी रहती है। परिवार का हर सदस्य आज आशीष की कामयाबी में उनके साथ खुशियाँ मना रहा है। देखिए, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और ये गौरव का विषय है कि हम लोगों के देश ने पहला एक हमारा कंट्री पहला बना है पूरे वर्ल्ड में जो साउथ पोल पे जा गया है। तो इसके लिए मैं इसरो को सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे भैया के साथ साथ पूरी इसरो टीम को बहुत बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे देश का गौरव बहुत ज़्यादा बढ़ाया। और हम लोग भी इतना लकी हैं कि वो भाई जो है वो हम लोगों के साथ जुड़ा रहा है, जुड़ा हुआ है। इस वजह से हम लोग इतना मीडिया या इस सब चर्चा में आ रहे हैं। तो इस चीज़ का भी है कि भैया के पास इनका डिटर्मिनेशन और ये सब जो इन्होंने इतनी मेहनत की है वो आज रंग लाई है। उनका मेरा ये भी मानना है कि 4-5 सालों में यहाँ पे उनका आ पाना भी बहुत टफ हो रहा है। वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इनका जो वर्क प्रोफाइल है उस वजह से वो अपना समय यहाँ नहीं दे पाते हैं। इनका डिटर्मिनेशन, विल पावर इतना स्ट्रांग था कि इन्होंने काम में बहुत अपना पूरा वक्त दिया और हाँ, फैमिली के साथ भी जुड़े रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले भैया को और उसके साथ से पूरी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी और ये इंडिया के लिए गौरव की बात है। आशीष मिश्रा की मां ने बताया कि आशीष को शुरू से वैज्ञानिक या फिर पायलट बनने का सपना था। किस्मत को भी वही मंजूर था। साल 2008 में उन्हें इसरो के लिए चुन लिया गया। उसके ऊपर आशीष मिश्रा उसका नाम है बेटे का, और बहुत ही उसने भारत का नाम इस मिशन से उज्जवल हुआ है ना। भारत का नाम सबसे ऊपर गया है पहले, और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला ये चंद्रयान है। तो हमें बहुत गर्व है उस पर, हमें हमारे पूरे परिवार को, सभी को, और सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं उसके लिए, बहुत गर्व है। इसरो में आशीष मिश्रा का 14 साल का अनुभव नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है और उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष उपग्रहों के प्रक्षेपित यान जैसे PSLV, GSLV और LVM-3 में भी अपना अहम योगदान दिया है। भारत देश के इस कीर्तिमान की सफलता पर अन्य वैज्ञानिकों के साथ साथ आशीष मिश्रा का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। लैंडर मॉड्यूल, पीपल आर अप्लॉडिंग। बता दें कि बीते दिन 23 अगस्त भारत ने इतिहास रचते हुए चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सफल लैंड करवाया था। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट हैं। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 4th देश बन चुका है। पिछली बार चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, तब भारत को बहुत मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन इस बार इसरो ने तगड़ी तैयारी के साथ चंद्रयान 3 को भेजा चांद पर और नतीजा आज दुनिया के सामने है। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और देशवासियों ने अपने वैज्ञानिकों को सिर आंखों पर बैठा लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।